और सबसे बड़ा इम्तिहान आया जब इस्माइल जवानी को पहुंचे। हाय हाय हाय, जब इस्माइल जवानी के करीब पहुंचे और साथ चलने लगे और बुढ़ापे की औलाद और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक, बुढ़ापे को 120 साल की उम्र है, अब बुढ़ापा है, अब जवान बेटे की साथ जरूरत है, हुक्म आया जिबा कर दो। ठीक है, जिबा कर देता हूं। इस्माइल मैंने देखा है आपको जिबा करते हुए। तो इस्माइल क्या कह रहे, इफाल मा तुमर, अब्बा जी जिसका आपको हुक्म हुआ आप करिए। इस्माइल ने तो नहीं कहा कि अब्बा जान दिमाग तो ठीक है ना आपका, आज का जवान बाप को क्या कहता है, आंखें दिखाता है, दिमाग तो सही है ना आपका, मुझे क्यों जिबा करेंगे। अल्लाहु अकबर, ये जवान के लिए नमूना है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम की जिंदगी, बाप के सामने सर नहीं उठाया। अल्लाह का हुक्म है, सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस्साबिरीन, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सबर करने वालों में से पाएंगे। चले करिए आप, करिए आप। क्या इस्माइल को, इतने बच्चे तो नहीं थे कि इस्माइल को पता नहीं था कि जिबा होने का मतलब क्या है। पता था ना कि जिबा होने का मतलब जान जानी है, लेकिन ये जान किसके नाम पर जा रही है, अल्लाह के नाम पर जा रही है। एक जान नहीं, 100 जाने कुर्बान करने को तैयार है। शैतान ने वसवसा डाला हाजर के दिल में डाल के, पता है इब्राहिम कहां ले जा रहे, कहां ले जा रहे, मुझे तो ही बता, अकरबा आयजा से मिलवाने ले जा रहे हैं हमें, नहीं नहीं जिबा करने लेके जा रहे हैं। कोई बाप जिबा कर सकते हैं बच्चे को? तो शैतान ने देखा यहां तो बात चल ही नहीं है मेरी, तो फिर शैतान ने कहा भाई अल्लाह का हुक्म है। कहा अच्छा अल्लाह का हुक्म है, एक नहीं 100 इस्माइल जिबा हो जाए अल्लाह के हुक्म के सामने। ये है मां, ये है मां। इस्माइल, इस्माइल कहां जा रहे पता है नहीं, अब्बा जिबा करेगा। अच्छा कोई बाप भी जिबा करता है, अल्लाह का हुक्म है। अच्छा अल्लाह का हुक्म है, फिर अल्लाह के नाम पर एक नहीं 100 इस्माइल की जाने जिबा के लिए तैयार है। ये नमूना है हमारे लिए, ये नमूना है। इब्राहिम के दिल में वसवसा, कंकर मारे, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, दफा हो जा, रगमन लिल शैतान, आज हाजी जाके कंकर मारता है, रिजन लिल रहमान, बिस्मिल्लाहिर रहमान, अल्लाहु अकबर। क्या ही वहां जज्बात होते हैं, क्या लफ्ज होते हैं, क्या जज्बात होते हैं। रिजन लिल रहमान, अल्लाह की रजा के लिए, रगमन लिल शैतान, शैतान को रुस्वा और जलील करने के लिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कंकर मारे, दफा हो जा, मुझे तू वसवसा डालता है, मेरे और मेरे अल्लाह के बीच में तू हायल होना चाहता है, हो ही नहीं सकता। तो मेरे प्यारो, बड़ा उस्वा हसना है मेरी और आप, मेरे और आप के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में। आइए आइए अपने अल्लाह के साथ वो ताल्लुक कायम करें कि बीच के सारे वास्ते कट जाए, मैं और मेरा अल्लाह, बीच में बीवी बच्चे भी आ जाए पीछे कर दिया करो, ख्वाहिशात पीछे कर दिया करो, चाहते नफ्स की पीछे कर दिया करो, और माहौल और माशरे के रस्म रिवाज पीछे कर दिया करो। मेरे रब की क्या चाहत है, मेरे अल्लाह की क्या मंशा है, मैं उसको पूरा करने के लिए तैयार हूं।